अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आप लोग सब कैसे हैं? हमारे देखने वाले अल्लाह तआला को खुश रखे, आबाद रखे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। और ये हमारे टाइगर बेटे हमारे आराम कर रहे हैं और मेरे बेटे सारा काम कर लिया। देखें आज मैंने फ्रिज की सफाई करी थी, माशाल्लाह से मेरा फ्रिज देखें कैसे चकाचक कर हो गया। सब चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे सेट कर दी हैं मैंने, देख लें ये सब चीज़ें एकदम वाश करी थी मैंने। ऊपर का खाना मैंने माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। अब पूरे होने देते हैं, कुछ चीज़ ऊपर रख देंगे और नीचे तरफ। और आज हम खाने में क्या पकाएंगे, अफ्तारी में क्या पकाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें प्लीज़। जब भी हमारी वीडियो को क्लिक करते हैं तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किया करें और आगे भी शेयर करें ताकि आपकी बहन की हौसला वाइज हो और हमारे सब्सक्राइबर पूरे हों। और यार चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते, इतनी कंजूसी कर रहे हैं मेरे बहन भाई कि बहन के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते आप लोग प्लीज़ प्लीज़। अगर और आज हो सकता है चांद रात भी हो सकती है, कल गरोदर भी हो सकते हैं। वैसे काफ़ी जगहों में लाए थे ना चांद नज़र आ गए हैं, लेकिन ये जो चैनल हमने अपनी तैयारी रखी है आप लोग भी सारे अपनी तैयारी रखिएगा क्योंकि शाम के वक्त कुछ भी पता चल सकता है कि ईद कल की है या परसों की है। चलो इसी तरह आप लोग आज एक साथ बने रहिएगा और आज जो जो वीडियो होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। रेसिपी में क्या पकाएंगे वो भी आपको बताएंगे। आज हम खाने में बना रहे हैं बीफ का कीमा और ये देखें 2 अदद टमाटर हैं, 5 हरी मिर्चें हैं, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं, नमक है, हल्दी है आधी चम्मची और यहाँ पे मैंने 4 से 5 प्याज ली हैं। हल्के हल्के उनको सोते करेंगे, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। फिर इसके अंदर कीमा डालेंगे और मैंने गरम मसाला नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा जीरा डाला है। आप लोग गरम मसाला डाल लेना क्योंकि हमारे काफ़ी सबको गरम मसाला अच्छा नहीं लगता, गुस्सा दिखाते हैं। आप लोग कहते होंगे कि आलिया गर्म मसाला यूज़ नहीं करती क्योंकि ज़्यादा खाती नहीं है, तो मैं ना अवॉइड करती हूँ बेकार में फिर अच्छा नहीं लगे। और आप लोग डालिएगा इसमें गर्म मसाला और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, फिर इसके अंदर हम कीमा डालेंगे। कीमा डाल के फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और आजकल मैं रेसिपी में ना अदरक लहसुन भूल ही चली जाती हूँ, बाद में मुझे याद आता है, कभी कभी ऐसा होता है। जो मैं रात भी है मेरे मम्मा पापा का खाना भी जाता है तो मैं इसलिए टाइम से खाना बना लेती हूँ। चलो जैसे प्याज का थोड़ा कलर चेंज हो जाए, जैसे प्याज का कलर चेंज हो हमने कीमा डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच थोड़ा कीमा भून गए फिर हम मसाले डालेंगे, हल्दी नमक सब डाल दिए। वैसे टमाटर में ही हमारा कीमा तैयार होगा, कोई पानी वानी नहीं डलेगा। और जैसी कीमा तैयार होगा वैसे हरा धनिया डलेगा। कीमा तैयार, ये देख लीजिए अब हमारा सालन हमारा तैयार हो चुका है। कीमा और अब हम डालेंगे इसमें हरा धनिया, ये रहा हरा धनिया। आज वैसे भी जुमेरात है तो टाइम से पहले खाना बना लिया, मतलब रोटी बनाएंगे। ये देख लीजिए सालन का आखिरी लुक, यकीनन आपको अच्छा लग रहा होगा। देख लीजिए आज हमने बनाया बीफ का कीमा, प्याज भी डाली अच्छी खासी मैंने, देखा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, प्याज वगैरह सब मिक्स्ड हो गई। जी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्कल का काम हो चुका है। यहाँ देखें हमारी बेटियाँ साहिबा सो रही हैं, रोज़े का टाइम होने वाला है और ये मैडम हमारी सो रही हैं और ये हमारे बेटे साहब भी यहाँ पे सो रहे हैं। बस अफ्तारी का टाइम हो रहा है तो मैंने कहा चलें
तेल अफ्तारी भी सेट कर लेते हैं, निकाल के रखती जाती हूँ। मौसम देखने कैसा हो रहा है, अभी हमने चिराग जलाया था जो मेरा आते हैं ना आज, तो चिराग भी ये हमारे आ गए हैं पकौड़े। आज मैंने खाली आलू वाले पकौड़े बनाए, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। केचप, अभी एक मिनट आई। ये देखिए हमारी भाभी साहिबा ने हमारे को दही बड़े दिए हैं। अभी मैं आप लोगों से पकाती हुई थी तो भाभी मुझे आवाज़ दे रही थी, मैं फटाफट गई, मैं इनके क्या बोल रही है, तो वो दही बड़े बनाए आज भाभी ने, दही बड़े दे दिए। अब फ्रिज में से निकालते हैं हम अपनी फ्रूट चाट। ये हमारी आ गई फ्रूट चाट। अब लेते हैं हम चमचे, पानी का गिलास निकालेंगे। देखे मैं आ रही जा रही हूँ ना, टाइगर मुझे बराबर देख रहे हैं। टाइगर जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मुझे गौर से देखते हैं जनाब। चले अभी अब और चीज़ें रखेंगे, मैंने सब चीज़ें सेट कर ली हैं अपनी, बस अफ्तार का टाइम हो रहा है। चले रमजान साहब आप भी आके बैठ जाइए। ये देखें ये रोज़े खार आ गए हैं और इनको भी अन्ना आ रही है अपनी बेटी की तरह। देखो हमारी बबलो सो रही है। तबे सेट है, चले ये फैमिली इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।